एबीपीएस न्यूज सच का साथी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर का आयोजन ग्राम देवरिया रांगनी जोत में संपन्न हुआ। सदर विधायक पलटू राम ने गौ माता की पूजा करते हुए शिविर में आए हुए पशुपालकों को दवाएं आदि वितरित की। उत्तर प्रदेश एवं केंद्र की सरकार द्वारा किसानों और पशुओं के साथ साथ पशुपालन की तमाम नीतियों के पर व्यापक चर्चा भी की, जिसमें प्रभारी पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सचिन सिंह ने पशुओं की बीमारी के बारे में लोगों को जानकारियां दी। इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। बलरामपुर से शैलेंद्र बाबू की रिपोर्ट। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु आरोग्य शिविर के शुभारंभ के मौके पर हमारे बीच में मौजूद हमारे इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य आदरणीय टप्पू मिश्रा जी, हमारे प्रभारी चिकित्सा पशु चिकित्सा अधिकारी सचिन सिंह जी, विपुल सिंह जी, सरोवर जायसवाल जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष बृजेंद्र तिवारी जी, हमारे इस मंडल के अध्यक्ष राकेश गुप्ता जी, सरोवर जायसवाल जी, दिनेश मिश्रा जी, रविंदर पांडे जी और हमारे सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के सभी सम्मानित हमारे पशुपालक, हमारी माताएं बहनें, हमारे पिता कुल बुजुर्ग, हमारे भाई के समान हमारे सभी छोटे बड़े भाई और पशुपालन विभाग से जुड़े हमारे सभी अधिकारी व कर्मचारीगण, हम आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में जब बरसात समाप्त होता है तो पशुओं के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तमाम प्रकार के रोगों से ग्रसित हमारे जानवर जो अच्छी प्रजाति के होते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग सबसे पहला ध्यान उनके पशुपालन पर जाता है। पशुपालन से जहां एक तरफ वो अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाते हैं और वहीं दूसरी तरफ पशुपालन करके वो उनके द्वारा उर्वरक निकाल करके अपने खेतों में भी डालते हैं, दूध से अपने परिवार को भी स्वस्थ रखते हैं और साथ ही साथ उस दूध को बाजार में बिक्री करके अपने जीविकोपार्जन का भी साधन करते हैं। लेकिन जब असमय उनके पशु को जब कोई बीमारी लग जाती है। एबीपीएस न्यूज सच का साथी।